छात्रवृत्ति घोटाला जांच के दायरे में आए दो ट्रस्ट ईडी ने कॉलेज संचालकों के 50 बैंकों खातों की जानकारी तलब की। ईडी ने दोनों ट्रस्ट के साथ कॉलेज संचालकों के राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के 50 से ज्यादा खातों की जानकारी भी तलब की है। ईडी ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को पत्र लिखा है। छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी को कॉलेज से जुड़े दो ट्रस्ट के बारे में पता चला है, जिनकी घोटाले में भूमिका के प्रमाण तलाशने शुरू कर दिए गए हैं। ईडी ने दोनों ट्रस्ट के साथ कॉलेज संचालकों के राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के 50 से ज्यादा खातों की जानकारी भी तलब की है। इस संबंध में बैंकों को पत्र लिखकर बीते 5 वर्ष के दौरान खातों से हुए लेन देन का स्टेटमेंट देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में फरुखाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट संचालित होने की जानकारी मिली है। इस ट्रस्ट के जरिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फार्मेसी कॉलेज स्कूल ऑफ एजुकेशन BTC संचालित किया जा रहा है। लखनऊ के SS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का संचालन SS एजुकेशनल ट्रस्ट कर रहा है। इसी तरह लखनऊ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का संचालन ऑर्गोन एजुकेशनल सोसाइटी के जरिए किया जा रहा है। ईडी ने इन सभी के बैंक खातों में हुए लेन देन का ब्यौरा तलब किया है। इन बैंकों को भेजा पत्र। ईडी के अधिकारियों ने डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ग्रुप द्वारा संचालित 2 दर्जन से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मांगी है। इसी तरह SS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 12 खातों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 5 खातों, हाइजिया ग्रुप के 4 खाते, भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन के आधा दर्जन से अधिक खातों और हरदोई के जीविका इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के 3 खातों की जानकारी मांगी गई है। इस बारे में ईडी ने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आर्यावर्त बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि को पत्र लिखा है।